हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत सा मैं फ्लावर आपके पास लेके आई हूँ। वो है जिंजर लिली और इसका साइंटिफिक नेम है हिरिचियम कोरोनेरियम। बंगाली में इसको दोलन चापा बोलते हैं और कोई कोई इसको जो है बटरफ्लाई लिली भी बोलते हैं। तो ये प्लांट जो है पूरे भारत में जो है भारत के जो उत्तर पूर्व दिशा में ही पाई जाती है और इसके अलावा ये नेपाल, भूटान और बंगाल के साइड में भी ये पाए जाते हैं। इस फूलों वाले पौधे का एक खास बात होती है ये कि आप एक बार इस प्लांट को अगर आप ला के लगा देंगे अपना गार्डन में, फिर तो आपको जो है कभी सोचने का ज़रूरत नहीं है कि इस फूल को फिर से लगाना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि बार बार जो है आप बल्ब किसी को देंगे, फिर भी जो है आपको कम नहीं पड़ेगा। इतने सारे जो है इसमें बल्ब आते हैं और फूल आते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है लगते हैं ये फूल देखने में। बिल्कुल जो वाइट वाइट कलर का होते हैं और जो है एक साथ गुच्छों में खिलते हैं और ख़ास करके इसका सुगंध तो इतनी खुशबूदार होती है कि ये फूल अगर खिल जाते हैं तो आपका पूरा गार्डन जो है महक उठते हैं इसके खुशबू के खुशबू से। इस फूल का खुशबू बिल्कुल जो है रजनीगंधा फूलों की तरह लगते हैं। फिर जानते हैं इस प्लांट की केयर के बारे में, कैसे ग्रो करें, कैसे केयर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहे, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एक बल्ब से ग्रो होने वाली प्लांट है और बल्ब से ये बहुत अच्छे से जो ग्रो हो जाते हैं और इसका फ्लावरिंग सीजन है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और एक बार जब इस प्लांट पे फूल खिल जाते हैं तो फिर उस प्लांट को जो है कट कर देना होता है ताकि फिर से जो है नए नए जो है और प्लांट्स निकल सके, क्योंकि इसका तो बल्ब से ज़मीन पे जो है लगे हुए होते हैं तो और जो है नए नए प्लांट निकलने में बिल्कुल भी जो है लेट नहीं होते हैं। तुरंत जो है बारिश के पानी पड़ते ही ये जो है नए नए प्लांट्स फिर से निकलने लगते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो है एक साथ जो है एक तो कली बनते हैं लेकिन एक कली में से जो है बहुत सारे फूल निकलते हैं। एक कली में से जो है पॉकेट की तरह बना हुआ रहते हैं, कम से कम 10-12 पॉकेट की तरह रहते हैं और उसी पॉकेट से जो है फूलों का जो है कली और नए नए कली जो है निकल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इस तरह से इसका जो फूल जो है बन के निकल के आते हैं देखिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक सूखते जाते हैं वैसे वैसे जो है दूसरे जो है कलियाँ जो है खिलने लगते हैं। तो इसी की तरह जो है इसका जो है प्रोसेस चालू रहते हैं और बाद में जब फूल जब ख़त्म हो जाते हैं तो प्लांट्स को जो है कट कर देना होता है ताकि नए नए जो है प्लांट्स और जो है निकल सके। फिर जानते हैं इस प्लांट को कैसे जो है पानी चाहिए होते हैं, कितनी पानी देना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, ये तो रेनी सीजन में बरसात के सीजन में फूलों वाले पौधे होते हैं तो इसको तो पानी का ज़रूरत पूरे होते हैं। जितना ज़्यादा पानी उतनी अच्छी फ्लावरिंग। और साथ में और अगर आप आपका प्लांट अगर पॉट पे लगे हुए हैं तो आपको पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। हमेशा इसका जो है मिट्टी जो मॉइस्ट रहना चाहिए, हमेशा भीगे भीगे रहना चाहिए ताकि जो ये अच्छे से जो फ्लावरिंग कर सके। और अगर ज़मीन पे लगा हुआ हो फिर भी जो आप थोड़ा बहुत पानी देते रहिए तो ये जो है अच्छे से इसका ग्रोथ होगा। फिर जाइए जानते हैं इसका सनलाइट के बारे में। तो सनलाइट तो इसको सोचिए कि सुबह का अगर आपका 2 घंटा अगर धूप लगे इस प्लांट पे तो ही ये जो है काफ़ी होते हैं। और अगर ज़्यादा इस प्लांट पे धूप लगते हैं तो फिर आपका जो है फूल अगर बन जाते हैं, आपका प्लांट पे फूल खिले हुए रहते हैं तो फूल जो है बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो ये तो हमेशा कोई भी गार्डनर नहीं चाहेगा कि हम लोग के गार्डन में फूल जल्दी से मुरझा जाए। इसीलिए आप अगर इस प्लांट को अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो गार्डन का ऐसे जगह पर रखिए जहाँ से बस 1 से 2 घंटा ही धूप लगे तो जो इस प्लांट के लिए जो काफ़ी अच्छे होते हैं। ये जानते हैं इस प्लांट को बल्ब से ग्रो करने में कैसे कैसे जो है हम लोग को प्रोपेगेशन लेना चाहिए। तो ये तो है बल्ब और ये तो आपको जो है कहीं से भी मिल जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या किसी के पास अगर प्लांट हो तो वहाँ से भी आप कलेक्ट करके ला सकते हैं। तो ये होता है तो बल्ब ऐसे ही बिल्कुल जो है अदरक की तरह देखने में होते हैं, देखिए जिससे कि बिल्कुल लग रहा है अदरक है, शायद इसीलिए इसको जो है जिंजर लिली भी बोलते हैं। तो ये हुआ है बल्ब और इसको हम ग्रो करेंगे, आज पॉट पे ग्रो करेंगे। और मेरा तो काफ़ी सारे प्लांट जो मिट्टी में लगे हुए हैं लेकिन फिर से जो मैं पॉट पे भी थोड़ा बहुत बढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये तो हो गया और इसको जो है ग्रो करने के लिए जो मैंने मिट्टी लिए है वो है 50% नॉर्मल से गार्डन सॉइल मैंने लिए है और उसके साथ 20% सैंड है और उसके साथ हम मिलाएंगे जो है 30% कंपोस्ट, थोड़ा सा काउडर कंपोस्ट हम ले लेंगे। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, पत्तियाँ वाला खाद भी ले सकते हैं और कोई भी फूलों वाले जब हम लोग पौधे लगाते हैं
तो थोड़ा सा तो अगर कंपोस्ट रहेगा तो फूल तो अच्छा होगा, इसीलिए थोड़ा सा जो है कंपोस्ट दे दिया कीजिए कोई भी फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए, ताकि आपका गार्डन जो है फूलों से भरे रहे। तो थोड़ा सा कंपोस्ट देने के बाद जो है उसके बाद जो है मिट्टी को फिर से जो है बहुत अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जो ये जो बल्ब है बल्ब को थोड़ा थोड़ा हम जो है मिट्टी में दबोच देंगे। तो और दबोच देने के बाद जो है नीचे में अंदर करने के बाद फिर जो है बहुत अच्छे से इस पर वाटरिंग कर देंगे, और बस 1 महीने के अंदर ही इसमें जो है नए नए जो है फिर से जो है प्लांट्स निकल के आएगा। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारा आप अपना जिंजर लिली का प्लांट जो है बढ़ा सकते हैं अपना गार्डन में। तो कैसे लगा वीडियो वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और फिर वीडियो को अपना दोस्तों पर शेयर करना ना भूलिएगा।